भाइयों आज सुनाएंगे आपको ZX Tenor जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लाउडेस्ट बाइक है। इसकी साउंड सुनाएंगे भाई, जिस पर लगाया है भाई सबसे सस्ता एग्जॉस्ट। तो भाई साउंड सुनो। तो हे व्हाट्सएप एवरीवन, हेलो, तो आपने नमस्कार, शशि काल, केम छो, मेरा नाम है मोटो खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूं हमारे इंडियन मोटो व्लॉगिंग प्लस व्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन होती है वो आप मेरे को सेंड कर सकते हो गूगल फॉर्म के थ्रू, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बदले में आपको क्रेडिट्स में मिल सकते हैं। एनीवेज, बढ़ते हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आ रही है आमिर माजिद की साइड से। तो उनके कल के व्लॉग में ठीक अपने मीटअप से पहले वो वापस आए जम्मू में और अपनी कार लैला की थोड़ी अपडेट दी है। हमारे साथ कौन है भाई लोग? वासु भाई कैसे हो? सो फाइनली भाई मिल गए एयरपोर्ट के अंदर ही आए थे। गाड़ी एक बार चेक मारो यार, क्या लग रही है तुम्हारा भाई ना, एकदम बेताब हो रखा है इस गाड़ी को चलाने के लिए। एंड जैसे कि उनका प्लान था कि उन्होंने अपने मीटअप पे अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन भी रिवील करनी थी, तो इनके इंस्टाग्राम से अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी आउट हुई थी जहां पे उन्होंने हल्की सी अपनी मॉडिफिकेशन रिवील करी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। एंड जैसे कि आपको पता कि आपका भाई सबसे पहले इन्फॉर्मेशन निकालता है आप सबके लिए, तो मैं आमिर माजिद के व्लॉग से पहले उनकी बाइक मॉडिफिकेशन बता देता हूं आपको। तो भाई उनकी न्यू मॉडिफिकेशन आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाइल्ड वुल्फ वर्सेस राजा डीसी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि राजा डीसी ने वाइल्ड वुल्फ को पोक करा था, तो वाइल्ड वुल्फ ने भी अपने लास्ट व्लॉग में राजा डीसी को काउंटर रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा बोला। यार श्वेता, हम ना ज्यादा ही सिंपल है कुछ, मुझे लगता है ना RC 390 जब हमने ली हुई थी ना वो हमें खराब बाइक मिल गई हुई है। सब ये बोलते हैं कि उल्लू बन जाते हैं यार, ऐसे बाइक उठा के ले लेते हैं। उल्लू बोलने वाला, उसकी शक्ल उल्लू जैसी होगी। जो मुझे बोलेगा उल्लू, जिसको मर्जी बोले, बोलना क्यों है, किसी को हेट क्यों करना है पहले ये बताओ। हेट वाली बात थोड़ी है, जैसे मर्जी हो इंसान वो खुद के लिए है, तुम उसे बोलने वाले कौन होते हो भाई। लड़की ने बात तो सही बात बोली, लेकिन मेरे को कमेंट करके बताना भाई मेरी उल्लू वाली शक्ल कहाँ से तुम्हें दिखती है, अगर दिखती है तो वो भी बोलो। बस अच्छा, इसकी ये भरोसा कर लेता है। हाँ। तो जब इसके सिर के ऊपर चढ़ के तांडव करते हैं ना, तभी से पता चलता है। तो भाई हम लोगों पे भरोसा करते हैं, जो जो भी हमें हेट करते हैं तो ऊपर वाला उनको ज्यादा से ज्यादा दे। भाई उनका टैलेंट नहीं है उनके पास, बस हेट करना आता है। आज इस बंदे को उठाया इसके बारे में बोल दे, कल उसको उठाया उसके बारे में बोल दे। हाँ, क्योंकि व्लॉग में एक्स्ट्रा बातें बोलने के लिए नहीं ना होती है कि क्या बोले भाई, क्योंकि हम नहीं है। तो टिल नाउ अभी तक राजा डीसी की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया इसका, लेकिन अगर रिप्लाई आएगा तो ये बात काफी ज्यादा बढ़ सकती है। एंड फिलहाल हम ऑनगोइंग कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं बिटवीन लाइफ मोटो वर्ल्ड एंड बियर बाइकर सैमी। तो परसों से बियर बाइकर सैमी के इंस्टाग्राम से बहुत सारी स्टोरीज आ रही थी लाइफ मोटो वर्ल्ड के लिए। बेसिकली इनकी कॉन्ट्रोवर्सी का रीजन ये है कि थोड़े दिन पहले बियर बाइकर सैमी ने जो अपनी बाइक इम्पोर्ट करवाई बाहर से रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस पे बियर बाइकर सैमी ने जेएस पाजी से पूछा था कि ये सब करना सही है या नहीं। जेएस पाजी ने भी उनकी साइड में आंसर देते हुए कहा था कि ये सब करना सही होता है। तो इसके बाद में लाइफ मोटो वर्ल्ड की साइड से एक 40 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो आउट हुआ बियर बाइकर सैमी के लिए, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें करी है, लाइक उनकी कॉन्ट्रोवर्सी का असली रीजन क्या है। खुशी होता भाई कि भाई मेरा एक बड़ा भाई कुछ अच्छा कर रहा है, चलो उसको भी सपोर्ट करते। मैं तो छोटा मोटा एक क्रिएटर हूँ भाई, बियर बाइकर सैमी, MSK भैया, ठीक है, ऐसे जो आमिर माजिद, ऐसे जो बड़े यूट्यूबर है ना भाई, हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं। तो जब इंस्पिरेशन लोग ना स्कैम करना शुरू कर देते हैं ना भाई, तो बहुत खराब लगता है। और कोई इंस्पिरेशन अगर आपके पीछे लगना शुरू कर देता है, मतलब आपके चीज़ों से उनको दिक्कत होने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। और एक हमारा भाई है, ठीक है, आमिर भाई के साथ, वो अभी सैमी भाई घूम रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो, ये रहा हमारा आमिर भाई, एंड आमिर भाई का ये रहा चैट, ठीक है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, दिखाता हूँ क्या खुद, इतना जेन्युइन बंदा भाई, इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बाद भी भाई सामने से मैसेज किया था मेरे को, हाई बडी कैसे हो, मैं फिर मैं ये सब लिखा, एवरीथिंग फाइन, व्हाट अबाउट यू, क्या बोला, देखो फाइन भाई, लगे रहो, गॉड ब्लेस यू, वापिस आते हैं, चलते हैं कहीं राइड पे। तो काफी ज्यादा बड़ी वीडियो है इनकी, जिसमें इन्होंने बहुत बारी बियर बाइकर सैमी को एक्सपोज करा है, तो इनकी फुल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले पिछले दिनों हुई कंट्रोवर्सी के बारे में बिटवीन MP04 एंड UK07 राइडर। तो आपको पता ही होगा MP04 राइडर की साइड से बहुत सारी इंस्टाग्राम स्टोरी आई थी UK07 राइडर और एल्विश यादव के लिए। तो कल UK07 राइडर ने अपने व्लॉग में MP04 राइडर को रिप्लाई देते हुए कुछ ऐसा बोला था। तो मुझे पता है भाई हम लोगों का क्या कनेक्शन है, कोई कितना भी बोलते रहे गाइस, बाबू भैया हमेशा आपके लिए खड़े, और मुझे पता है कि तुम लोग मेरे लिए हमेशा खड़े हो। बाबू भैया को ना रिप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती अब चीजों की गाइस, ब्रो से ना कमेंट सेक्शन में खुद ही पेल देती है भाई। मैं जब कभी कभी कमेंट देख लेता ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैंने कहा ये लौंडा है भाई अपनी टीम का,
लास्टली हम बात करने वाले अर्जुन एक्स लॉक्स के बारे में, तो उनकी बाइक मॉडिफिकेशन रिवील हो चुकी है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। एंड आपको ये बाइक मॉडिफिकेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मुझे मेरे लिए इसके ग्राफिक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं। मोटो व्लॉगिंग अपडेट्स के बाद अब आ रही है कुछ व्लॉगिंग अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट आ रही है एल्विश यादव की साइड से। तो अगर आप उनके व्लॉग्स फॉलो करते हो आपको पता होगा कुछ दिन पहले उनका महेंद्रगढ़ में एक मीटअप हुआ था जहां पे कुछ लोगों ने उनकी कार तोड़ दी थी। तो इसके बाद में एल्विश यादव ने अपने आज वाले व्लॉग में अपने ऑडियंस को रिक्वेस्ट करते हुए कुछ ऐसा बोला है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेना, चाहे फॉर्च्यूनर हो चाहे पोर्श हो, भाई गाड़ी का पीछा मत किया करो क्योंकि गाड़ी नहीं रुकनेगी। मेन चीज मैं बताऊं, गाड़ी रुकेगी नहीं, सिक्योरिटी पर्पस, यू नो सिक्योरिटी पर्पस नाम की एक चीज होती है ना, उसके लिए भाई अपने भाई की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। रात को कोई डिप्पर मार रहा है, पीछे लगा रहा है, गाड़ी मत किया करो इस उम्मीद में कि भाई गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी नहीं रुक सकती भाई, मेरा भी समझो, मैं भी इंसान हूँ ना, और बहुत लोग हैं सपोज मीटअप, ये मीटअप में जिसने ब्लेड ब्लूड मारी, ऐसे क्या पता भाई किस आदमी का क्या भरोसा। मान लो कि भाई रुकवा लो, फोटो खिंचवाने में रुक गया। अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं ना, आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ अपने भाई की बात। तो मैं थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहता हूँ ज़िंदगी में कि भाई अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं इन्जॉय कर पाऊँ, फ्रीली घूम सकूँ जैसे और कोई नॉर्मल बंदा घूमता है। इतनी आई नो आप लोग प्यार करते हो मेरे से, और वैसे हाई हेलो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी में जा रहा हूँ वहाँ खूब हाई हेलो, साइड में गाड़ी आ गई वैसे कहीं खड़ा दिख गया तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर गाड़ी का पीछा मत करो यार, है ना, गाड़ी का पीछा मत करो गाड़ी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परमीश शर्मा के बारे में। तो उन्होंने अपनी न्यूबी कॉर में न्यू अलॉयज इंस्टॉल करे हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो अगर आप टेक वीडियोस वगैरह फॉलो करते होंगे तो आप चैट जीपीटी के बारे में जरूर जानते होंगे। एंड कैरी मिनाटी की साइड से कल इंस्टाग्राम स्टोरीज आई थी जिसमें वो चैट जीपीटी से नाराज थे, क्यों आप क्लिप देख लीजिए। गहना हिंदी वर्ड प्रायवाची, प्रायवाची मीन्स सिनोनिम इन हिंदी, सो द हिंदी वर्ड फॉर सिनोनिम इज प्रायवाची। वाओ क्या पढ़ाई है, किसी काम का नहीं है चैट जीपीटी, किसी काम का नहीं है। मैं ट्रांसलेशन में मांग रहा हूं, गधे की ट्रांसलेशन क्या होती है, वो कह रहा आप गधे हो, छोटू मांगा था बाप बन के बैठा है ये चैट जीपीटी। पता ना फालतू में हाइप कर रखा है, फ्यूचर है फ्यूचर है फ्यूचर है, ये फ्यूचर है? 2+2 करके कोई रोबोट दिखा देगा ना उसको, कल को तुम भगवान मान लोगे। इससे बढ़िया तो वो है, क्या कहते हैं, रणविजय है, रोडीज में बढ़िया, 1:39x76 बता देता है वो, उसको भगवान मान ले। और फिर कहानियां सुनने को मिलती हैं कि भैया इस व्यक्ति ने $5,00,000 कमाए चैट जीपीटी की मदद से। ऐसे तो पॉर्नहब पे वो भी आते थे, गूगल वाले ऐड, जहां पर एक महिला घर बैठे बैठे $5,000 कमा लेती थी, तो मेरे को वो भी चलेगा, सेम चीज है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो भाइयों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब की बिना बिल्कुल मत जाना, मैं आपको फ्यूचर में भी ऐसे अपडेटेड रखूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।